हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद हुमा इन दुबई। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं मंडे से। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमदान काफ़ी बेहतर है। मैंने आपसे पोस्ट शेयर की थी कि हमदान को थोड़ा सा डायरिया हो गया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी उसकी टेक केयर में बिज़ी थी, लेकिन आज वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं और हमदान उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी हमदान का बिल्कुल ही परहेज़ चल रहा है। डॉक्टर ने उसको अंडा और ये चिकन, बीफ, मटन, फिश सब से परहेज़ ही बोला है कि अगर वो खाएगा तो उसको दोबारा से बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा, और दूध से भी उसको परहेज़ ही बोला है। तो मैंने जैसे उसको जो है ये ब्रेड जो थे उसको मैंने जस्ट उसको सेक दिया था कि चलो ये चाय के साथ खा लेगा, क्योंकि सिर्फ ब्रेड और चाय ही उसको अलाउड थी। और अपने लिए मैंने जो है चाय, ब्रेड और साथ में मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर बटर लगा लिया था। चाय में जो है लो फैट प्रोडक्ट की ही मैं यूज़ करती हूँ, डेरी भी सारी अपनी, योगर्ट और मिल्क भी। और मैं विदाउट शुगर ही चाय लेती हूँ मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में मैं ज़्यादातर जो है ब्रेकफास्ट में बॉयल्ड एग भी लेती हूँ, लेकिन हमदान की कंडीशन की वजह से नहीं ले रही। यहाँ पर मैं और हमदान जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि किस किस के घर में कोकोमेलन के साथ ही मॉर्निंग होती है, और गुड नाइट भी कोकोमेलन के साथ ही होती है। तो बस मॉर्निंग में मैं और हमदान इस तरीके से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैंने जो मेन्यू है वो रात को ही डिसाइड किया होता है कि मुझे रात का और दिन का क्या मेन्यू बनाना है। तो काफ़ी दिन से मेरा करेले गोश्त खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं करेले गोश्त ही बनाऊँगी। तो करेले गोश्त बच्चे तो खाते नहीं है, तो एक दिन पहले मैंने जो है पम्पकिन बनाया था, तो मैंने कहा बच्चों को मैं वो पराठे के साथ दे दूंगी और मैं ख़ुद करेले गोश्त बनाऊंगी अपने लिए। तो यहाँ पे जो अपने किचन के पेंडिंग काम थे वो बनाए किए थे मैंने, और जो है पेंडिंग काम किए, और फिर मैं जो है एलुमिनियम फॉइल चेंज करना भूल गई थी अपनी स्टफ़ की। तो आजकल थोड़ा सा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, क्योंकि यही वीक रह गया हमारा माशाल्लाह से जाने का, तो बस उसी ही तैयारियों में लगी हुई थी। तो अभी तक मैंने पैकिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि पैकिंग का थोड़ा सा ध्यान दो कि पैकिंग में क्या क्या मुझे लेकर जाना है। तो बस ये नाश्ते के थोड़े से बर्तन जमा हो गए थे, वो मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि मैं बर्तन जो है साथ साथ वॉश करती हूँ लंच के लिए, लंच टाइम पर और डिनर के डिनर टाइम पर, और फिर इस तरह फिर बर्तन ज़्यादा जमा नहीं होते। बर्तन वॉश करने के बाद जो करेले थे वो मैंने रात को ही काट के नमक लगा के रख दिया था कि ताकि जितना भी उसका कड़वा पानी है वो निकल जाएगा, तो इजीली मैं उसको वॉश कर लूँगी। तो जो है ना करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनते अगर आप रात को उसको नमक लगा के एक छन्नी में रख दें। तो मैंने भी इसको 3 दफ़ा ही वॉश किया था, तो सारे अच्छी तरीके से करेले का जो कड़वा पानी था वो निकल गया था, और उसके बाद मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया था, और फिर मैंने जो है अपना ये सालन रेडी कर लिया था। पैकिंग में जो है मैं, चूँकि हम लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जा रही। बच्चों की मेडिसिन तो मैं लाजमी लेके जाऊंगी, वो भी आगे वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या पैक कर रही थी। तो यहाँ पे बस मैंने ये काम कंप्लीट करने के बाद जो है साथ साथ मैंने अपना किचन भी क्लीन कर लिया था, टॉप काउंटर क्लीन कर लिया था, और अपना लॉबी भी क्लीन कर लिया था, और अंदर वैक्यूम भी कर लिया था जब जब जो है मुझे बीच में टाइम मिल रहा था। में आपने देख लिया है कि मेरे पास यहाँ पे एक पाउच चिकन था, और इस पे मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है 2 प्याज डाले थे और 1.5 टमाटर डाला था, 2 नहीं 3 प्याज डाले थे, और इसके साथ 1.5 टमाटर डाला था, नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाला था, और मैंने इसको पानी डाल के चढ़ा दिया था कि ये अच्छी तरीके से इसका मसाला गल जाएगा, और चिकन तो आपको पता जल्दी ही रेडी हो जाता है। और लाल मिर्च इस दफ़ा मेरी बहुत अच्छी निकली है, इस दफ़ा मैं नेस्टो से लेकर आई थी तो बहुत अच्छी तीखी सी निकली है, तो बस 1 चम्मच ही डालती तो वो इनफ होती है और अच्छा स्पाइसी बन जाता है। पहले लास्ट टाइम मैं जो लेकर आई थी वो मैं मदीना हाइपर मार्केट से लेकर आई थी, तो वो उसका एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा नहीं रहा था, तो ये नेस्टो की बहुत अच्छी ही निकली है।
बस खाना चढ़ाने के बाद मैंने साथ साथ जो है करेले भी फ्राई करी थी, डीप फ्राई करी थी कि करेले जो है मेरे रेडी हो जाए, क्योंकि मुझे सुफियान घर आने से पहले मुझे उसका खाना और अपना खाना रेडी करना पड़ता है, क्योंकि वो घर आते साथ ही सबसे पहले फ्रेश होने के बाद खाना ही खाता है। ऑब्वियसली वो सुबह का गया होता है, सुबह वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करता, सिर्फ लंच बॉक्स में जो कभी स्नैक्स ले जाता है, ये कभी नगेट्स ले जाता है, ये कभी सैंडविच ले जाता है, तो वो ऑब्वियसली इतनी देर तक नहीं रहते। तो वो फिर घर आके फिर सॉलिड एक अच्छी सी डाइट लेता है, चपाती या पराठा लास्ट में खाता है। तो बस मेरे अच्छे से करेले मेरे डीप फ्राई हो गए थे, उसके बाद मैंने करेले निकाल लिए थे और मसाला भी मेरा साइड पर रेडी हो गया था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से जो है मसाले की भुनाई कर ली थी। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में शेयर किया था कि मैं खानों में ऑयल बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ, तो एज़ यूजल मैंने आज भी खाने में ऑयल कम ही डाला था। बस तो जी मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका था, उसके बाद जो है मैंने इसमें से चिकन को सेपरेट कर लिया था, ताकि जो है चिकन बहुत गल गया था क्योंकि प्याज अभी गले नहीं थे, चिकन सेपरेट करके मैंने अच्छी तरीके से उसको मैश कर लिया था। फिर इसमें मैंने फ्राई किए हुए डाल दिए थे करेले, और थोड़ा सा मैंने दम पे जो है दूध का छींटा लगाया था और हल्की आँच पर रख दिए थे, तो मेरे करेले भी सॉफ्ट हो गए थे। तो बस ये जी ये खाना मेरा रेडी हो चुका था मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, और मुझे उसके बाद जो है अपना सेकंड जो काम था वो करना था, पैकिंग की तरफ जाना था। तो बस खाना डन करने के बाद, सुफियान को लाने के बाद, मैंने पैकिंग का काम स्टार्ट किया जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बच्चों के ही कपड़े निकाल रही थी कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है, क्योंकि ज़्यादा तो मैं कपड़े नहीं लेके जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ हमारा 15 दिन का ही टूर है, तो सिर्फ मैं उसी हिसाब से ही कपड़े निकाल रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने सुफियान और हमदान का एक ही बैग तैयार कर लिया था, और इनकी हमें वहाँ पर 2 जुम्मे आने हैं, तो फिर मैंने एक दोनों का दो दो शलवार कमीज़ रख लिए थे मैंने, और उसके बाद फिर मैंने अपनी पैकिंग की थी और हस्बैंड की पैकिंग बाकी रह गई थी। मैंने कहा था वो खुद ही अपनी पैकिंग करेंगे, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा मसला करते हैं कि मुझे ये भी लेके जाना है, ये नहीं लेके जाना, वो नहीं लेके जाना, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैंने कहा बच्चों की और मैं अपनी पैकिंग डन कर लेती हूँ, और उनकी पैकिंग जो है मैं उनके साथ ही कर लूँगी कि उनको क्या क्या लेके जाना है। और उसके साथ साथ फिर जो ज़रूरी सामान था, मैंने पेस्ट वगैरह रख ली थी, और उसके ब्रश रख लिए थे, कॉम्ब रख ली थी। इसके अलावा शैम्पू तो हम लोग नहीं लेके जा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सिर्फ हैंड कैरी है, और हैंड कैरी में ये सब अलाउड नहीं है। और बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह मैंने बाय किए थे, वो सिर्फ और सिर्फ मैं टाइम पर ही रखूँगी। रखने के बाद मैंने यहाँ पे सैंडल्स बच्चों के न्यू लिए थे, वो सैंडल्स मैंने बाहर रख दिए थे, और जो एयरपोर्ट पे इन्होंने कपड़े पहने थे वो भी मैंने बाहर निकाल दिए थे। और इसके साथ साथ मैंने इसमें टॉवल रखे थे, बच्चों का टॉवल अलहदा से रखा था, और मेरे लिए और मेरे हस्बैंड का टॉवल सेपरेट रखा था। इसके अलावा सोप रखा था, और उसके साथ साथ मैंने अम्ब्रेला भी रखी थी, और बच्चों की कैप भी रखी थी कि अगर वहाँ पे ज़्यादा धूप हुई तो बच्चे चने अम्ब्रेला यूज़ कर लेंगे। और साथ में मैंने इनका कैप भी मैंने बाय कर लिया था, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने इनके सॉक्स भी बाय किए थे। सुफियान के लिए मैंने सॉक्स बाय किए थे, हमदान के सॉक्स घर में पड़े हुए थे। अभी यहाँ पर मैं ये लेस को काटने की बड़ी कोशिश करी थी, लेकिन इतनी हार्ड थी, तो फिर मैंने कहा चलो इनको एयरपोर्ट पर ही पहनाना है, तो फिर मैं ये सेपरेट करके ही रख देती हूँ। उसके साथ साथ
फिर मैंने यहाँ पे दवाइयों की भी पैकिंग की थी, क्योंकि दवाइयाँ लास्ट में मुझे लेकर जानी थी, क्योंकि मुझे था कि वहाँ पे फिर दवाइयाँ जो है प्रॉब्लम हो गई, कि अगर बच्चे जो है बीमार हो गए, अल्लाह ना करके बच्चे बीमार हो, लेकिन फॉर द सेफ्टी रखनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने वाइप्स भी रखे थे, ये बिल्कुल जो है खुशबू के बगैर वाइप्स थे, तो ये चप्स की जो है वाइप्स हैं। और इसके साथ साथ मैंने एक कॉम रख ली थी, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर जो है ना टिश्यूज़ भी रखे थे, और यहाँ पर ये बच्चों को सेफ्टी के लिए है, ये मैंने दो बाइक कर लिए थे, एक सुफियान के लिए, हमदान के लिए, और साथ में एक मैंने सुफरा रख लिया था। जो जो मुझे चीज़ें याद आई थी वो मैं रखती जा रही थी, और पेस्ट रख ली थी यहाँ पर, शैम्पू, और पे मुझे थोड़ा सा डाउट था कि शैम्पू नहीं जाएगा, तो शैम्पू जो है मैंने रख दिया था, लेकिन बाद में मैंने फिर निकाल दिया था। इसके साथ साथ मैंने कैटल भी रखनी है, कैटल जो है वो भी मैंने साइड पर रखी हुई थी। टिश्यूज़ बॉक्स थे, और यहाँ पर सॉक्स थी हमदान और सुफियान की, सॉक्स के पेयर रखे, अपने सॉक्स के पेयर रखे, और बस इसी तरीके से बच्चों की मैंने पैकिंग को डन कर लिया था, और साथ ही साथ फिर मैंने अपनी पैकिंग को भी डन कर लिया था। मैंने बस अपने ज़्यादा सूट नहीं रखे, दो जुम्मे के मेरे नए सूट थे वो भी सिलकर आने थे, और बाकी मैंने कुछ घर में पहनने के लिए कर लिए थे, क्योंकि वहाँ पे अबाया ही यूज़ होना है, ऐसा एहराम भी और वैसे भी। तो बस मेरी पैकिंग भी डन हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने सारी मेडिसिन इकट्ठी की थी बच्चों के लिए। मेडिसिन्स में मैंने जो है यहाँ पर जो है बच्चों के लिए पैनाडोल रखी थी, और फ्लेजल रखी थी, इसके साथ साथ मैंने अपने लिए एक नेक की क्रीम रखी थी, और कुछ यहाँ पे हाइड्रा के इसके साशे थे, जो कि अगर खुदा ना खासा लूज़ मोशन हो तो उसमें काम आ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर स्पोस्ट्री भी रखी थी बच्चों के लिए, और नेजल स्प्रेस थे मेरे और सुफियान का, क्योंकि मुझे साइनस का इशू है, सुफियान को भी सेम वही इशू है, तो अपना और सुफियान का रखा था मैंने नेजल स्प्रे। इसके साथ साथ जो मेडिसिन नहीं चाहिए थी वो निकाल दी थी, और डिस्प्रिन रखी थी, और मेजेस्टिक थी, मतलब पेन किलर्स थी, और कफ सिरप था, कोल्ड कॉफ फ्लू का सिरप बच्चों के लिए मैंने रखा था, एक मैंने बॉक्स बना लिया था कि ये जो है इसको लाजमी सेपरेट करना है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लेके जाने देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बच्चों की ही मेडिसिन है और ये हमें लाजमी चाहिए। तो जी इंशाल्लाह मैं अब अपनी वीडियो को करती हूँ एंड, अभी बहुत स्केड्यूल बिजी जा रहा है, आई डोंट नो कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वीडियो शेयर कर पाऊँ। अगर नहीं कर पाई तो इंशाल्लाह आने के बाद मैं आपसे एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारा वहाँ पर बच्चों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा के साथ, और क्या क्या हम लोगों ने ज्यारतें की, और कितना मज़ा आया वहाँ पे। इंशाल्लाह वहाँ पे मज़ा तो सबको ही आता है, एक दफ़ा जो जाता है वो बार बार उसकी ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ पर जाए, और इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं मेरे पास अमानत के तौर पे पड़ी हुई हैं, आप सबकी दुआएं वहाँ पे पहुँचाएंगे, अपने लिए भी दुआएँ करेंगे और अपने कंट्री के लिए भी दुआएँ करेंगे। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तो मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूँगी कि मैं खैर खैरी से जाऊँ और अच्छी तरीके से अपनी इबादतें भी कर सकूँ, और बच्चे भी मेरे बिल्कुल ठीक रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।